तो महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख को जान से मारने की धमकी मिली है। दावा है कि ये धमकी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के एक सदस्य ने दी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोलापुर के विधायक विजय कुमार देशमुख को एक धमकी भरा पत्र मिला है। आपके सामने स्क्रीन पर वो पत्र है। दावा है कि सोलापुर के रहने वाले मोहम्मद सफी बिराजदार नाम के शख्स ने हाथ से यह पत्र लिखा है। चिट्ठी मिलने के बाद विधायक के यहाँ हड़कंप मच गया और पुलिस को इस धमकी के बारे में सूचित किया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधायक विजय कुमार देशमुख का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसे धमकी ना समझे, बल्कि ऐसा होकर ही रहेगा। साथ ही इस पत्र में दावा किया गया है कि एक दिन अयोध्या, काशी, मथुरा में भी धमाका किया जाएगा। तो इस तरह की धमकी पत्र में दी गई है विधायक को, और इसे धमकी भी ना मानते हुए कहा गया है कि एक दिन ऐसा होकर रहेगा, यानी विजय कुमार देशमुख का सर तन से जुदा कर रहेंगे। तो ये देखिए देश में जिहादी कट्टरवाद की सोच कैसे बढ़ रही है, पनप रही है, कहीं जमीन हट भी जा रही है। तो सर तन से जुदा करने की मानसिकता लगातार देश के कई राज्यों में अब देखने को मिल रही है।